सक्षम यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सक्षम यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सक्षम यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं प्रॉब्लम बताओ आप। आज दिनांक 25/6/18 को हम यहाँ अनाज मंडी में सक्षम युवा की प्रॉब्लम्स को लेकर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर जो खट्टर सरकार ने, आप पीछे देख रहे होंगे कि जो सक्षम योजना चलाई है, इसमें उन्होंने 7500 और 9000 रुपए जो मानदेय बोला है देने के लिए, वो किसी को पूरा नहीं मिल रहा, किसी को काम नहीं पूरा मिल रहा। 100 घंटे का वर्क है और भत्ता हमें 3000 और 1500, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा किसी को। और किसी लेडीज़ को जो वर्क मिला है, उस वर्क में करने में बहुत दिक्कत आ रही है। उन्हें न्यूज़पेपर में वर्क दिया गया है कि घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचो, कि एक महीने में 90 उन्होंने कूपन्स देने हैं कि तभी उन्हें सैलरी पूरी मिलेगी, वरना उन्हें सैलरी भी नहीं पूरी मिलेगी। मैडम सब साथ में जाओ। तो जो मैडम, एक सीमा मैडम है जो डीसी ऑफिस में इन्हें वर्क मिला है, इन्हें 6 महीने का वर्क बोल के दिया गया है, बट वहाँ पर जब पहुँचे इन्हें 15 दिन का वर्क दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व की जाए, इन प्रॉब्लम्स को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सक्षम युवा की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। सक्षम योजना में रोजगार दो, सक्षम योजना में रोजगार दो, हमारी मांगे पूरी करो, झूठ का करो, झूठ का प्रचार बंद करो, झूठ का प्रचार बंद करो, युवाओं को मत भटकाओ, युवाओं को मत भटकाओ, 3 साल व 35 साल का बंधन खत्म करो, 3 साल व 35 साल का बंधन खत्म करो, युवा सक्षम जिंदाबाद, हरियाणा सक्षम यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रोजगार दो रोजगार दो, रोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो रोजगार दो, रोजगारों को रोजगार दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सक्षम यूनियन 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 जिंदाबाद, हरियाणा सक्षम यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सक्षम यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, जागरण में 90 दिन के लिए 90 कूपन दिए गए उन्हें कि आप 90 दिन में कूपन बेचोगे तो तब आपको सैलरी पूरी, वो ये लोग कह रहे हैं कि आप सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करिए और शाम को रिपोर्टिंग करिए। महिलाओं को ये बोला जा रहा है, महिलाएं 40-50 किलोमीटर दूर से आ रही है, वो कैसे कैसे बनेगा? और यहाँ पर और अगर लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम लेकर जाती है, ये महिला जो है उनको अखबार दिया जा रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम ये सुनी मिलती है, अपने बच्चों को लेकर जाती है।
और रोजगारी विभाग द्वारा सर बहुत तरह के बदलाव रोज चेंज किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अभी ये चेंज कर दिया कि जो भी युवा है उसको सिर्फ 3 महीने काम दिया जाएगा, उसके बाद उनको रिलीव कर दिया जाएगा, नए युवा लगाए जाएंगे। तो मेरी एक सरकार ने प्रशासन से ये पूछना है कि क्या अगर हम इस तरह से 3 महीने बाद युवाओं को बार बार ट्रेनिंग देंगे, क्या दूसरे जो काम दे रहे हैं, जो युवाओं को काम प्रोवाइड किए कर रहे हैं, क्या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? आप सब युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने अभी आपने देखा है कि प्रशासन तक हमने अपनी बात अपनी आवाज को रख दिया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के डिमांड जो है आगे सरकार तक, आगे जो प्रशासन है वहां तक पहुंचाए जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहां पधारने के लिए और मैं आशा करता हूं कि प्रशासन हमारी आवाज़ को जरूर सुनेगा और जरूर ये इसमें कुछ ना कुछ चेंज और बदलाव जरूर होंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। यमुनानगर जिला प्रधान और मैं आप लोगों का बहुत सादिल से धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ी मात्रा में आप लोगों ने रैली की है, आज युवा सड़कों पर उतरे हैं, आज वो जज्बा दिखा है मुझे जो युवाओं के अंदर होना चाहिए। आज युवा हिंदू मुस्लिम जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर आज अपने रोज़गार के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। तो मैं युवाओं को यही संबोधित करता जाता हूँ कि अपने रोज़गार की लड़ाई के लिए लड़िए। जो सरकार ने वादा किया है हमें 2 करोड़ रोज़गार देने का और वो सरकार उसके खिलाफ वादा खिलाफी कर रही है, ठीक है, रोज़गार नहीं दे रही है युवाओं को, तो उसके लिए हम सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सभी युवाओं से मेरा निवेदन है, इस आंदोलन को बरकरार रखिए जब तक सरकार हमें ये रोज़गार नहीं देती है।